वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज मैं इनातुर हर्बल का विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम का रिव्यू दूंगी। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और ये देखिए इसका एमआरपी है 300 और ये 100 ग्राम का आता है। ये क्रीम ऑल स्किन टाइप है और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है आमला, एप्पल, ब्लैकबेरी, पपाया, पीच एंड स्ट्रॉबेरी। आमला बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि विटामिन सी स्किन के लिए कितना इफेक्टिव होता है। एप्पल जो कि न्यू स्किन सेल्स को रिग्रोथ करता है, ब्लैकबेरी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और स्किन एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, पपाया जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए सी एंड ई है, पीच जो कि ड्राई स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ड्राई और फ्लेकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है, एंड स्ट्रॉबेरी ये स्किन को टोनिंग एंड मॉइस्चराइज करता है। और दोस्तों, ये क्रीम स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और स्किन की पीएच लेवल को मेंटेन करता है। ये क्रीम अप्लाई करने के बाद स्किन फ्रेश एंड हेल्दी लगता है, लेकिन आफ्टर हाफ आवर या वन आवर स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। दैट्स व्हाई नाइट टाइम में यूज़ करना बेटर है। विंटर में आप डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जब आप घर में हो तभी यूज़ करो, क्योंकि इसमें एसपीएफ नहीं है। ये क्रीम देखिए इस पिंक कलर की कंटेनर में आती है। ये स्किन व्हाइट कलर की है। ये देखिए इसका ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन इसका स्मेल जस्ट वाओ, मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों, इनातुर हर्बल का ये विटामिन ई क्रीम आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। ऐसे और रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।